हाय गाइस, दिस इज नॉस्टैल्जिक स्टोरीज और मैं हूँ सौम्य दीप मॉन्डल, आपका प्रिय नरेटर। आज की कहानी है बादशाही अंगूठी पार्ट 9 और आज हम लगभग सेमीफिनाले तक पहुंच चुके हैं। और एक एक्साइटिंग न्यूज है कि कुछ ही दिनों के अंदर हमारी कहानी यानी कि बादशाही अंगूठी सीरीज स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक के स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब तक हम सुनने वाले हैं बादशाही अंगूठी पार्ट 9 रिटन बाय सत्यजीत राय। हम जब ट्रेन में वापस लौट आए तब देखे कि डॉक्टर श्रीवास्तव गीतांजलि पढ़ रहे हैं और वन बिहारी बाबू हुक्का पी रहे हैं। फेलुदा और डॉक्टर श्रीवास्तव के ऊपर के सीट में एक साधु बाबा ने अपना जगह बना के रख लिया था। वो तो जब से मैंने देखा तब से कंबल ओढ़ के सो ही रहे हैं, बस उनके पैर के दो उंगलियां निकले हुए हैं, वो खुद सॉक्स पहने हैं। फेलुदा खिड़की के बाहर देखते हुए एक गाना गुनगुना रहे थे, वो भी हिंदी गाना है जिसके स्टार्टिंग के दो लाइन्स ये है। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी तब रामते पर क्या गुजरी। ये सुनकर मुझको इतना तो समझ में आ चुका था कि उन दोनों लाइन के अलावा फेलुदा को और नहीं आता गाने। अचानक से वन बिहारी बाबू बोल उठे, वाजिद अली शाह का गाना है, ये तुम्हें कैसे मालूम चला? अच्छा हाँ, ये मेरे एक दादाजी से सीखा था मैंने, बहुत अच्छा ठुमरी सिखाए थे मुझको। वन बिहारी बाबू अपने पाइप को अपने मुंह तक लेकर आकर खिड़की के बाहर नजरें फेरते हुए कहे, बहुत ही अजीब नवाब थे वाजिद अली, गाना गाते थे पंछियों जैसे, बहुत से गाने कंपोज भी उन्होंने ही किए हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले उन्होंने ही ओपेरा बनाया था, वो भी एकदम बिलायती तरकीब से, लेकिन उनको लड़ाई कैसे करे ये बिल्कुल नहीं मालूम था। उनका आखिरी वक्त कलकत्ता के एक ऐसे जगह में गुजरा जहाँ पर अब सब मुस्लिम दर्जी एक साथ वहीं पे रहते हैं। और तो मज़े की बात यह है कि तब उस वक्त के सबसे महान गायक राजेंद्र प्रसाद के साथ उन्होंने ही पहले कलकत्ता में एक जू ओपन किया था, वो भी अपने हाथों से, ये मत भूलना। फिर वन बिहारी बाबू अपना पाइप को नीचे रख कर उठ के अपना ट्रंक को निकाल कर उनमें से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और टेबल के ऊपर रख कर कहा, अब मैं तुमको कुछ अपने प्रिय गाने सुनाता हूँ, ये सारे गाने मेरे फेवरेट्स हैं, इनको मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, ये सुनो ये। और ये कहकर उस बक्से के एक बटन को दबा दिया और फिर हमसे कहा, अगर इस गाने को अच्छे से महसूस करना चाहते हो तो अभी खिड़की के बाहर देखते देखते इसे सुनना पड़ेगा तुमको। मैं जब घूमकर खिड़की की तरफ देखा तब बस इतना ही नज़र में आ रहा था कि बहुत से पेड़ हमारे ट्रेन के दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, जैसे जंगलों पर जंगल में एक रेस लगा हो, एक दौड़ लगी हो सबके अंदर कि कौन इस ट्रेन के पहले जाकर पहुंचे। फिर अचानक हम सबको चौंका कर एक आवाज आने लगी, हाँ ये हाइना का आवाज है। Ooh.
सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आवाज काफी दूर से हमारी ओर आ रहा है, जैसे अब भी शायद से एक हाइना कूद कर हमारे खिड़की तक आ जाए। मैं काफी हद तक डर गया था। मैं किसी तरह अपने हर फीलिंग्स को दबा कर वो आवाज को सुनने लगा। वन बिहारी बाबू ने कहे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब मेरा दूसरा गाना सुनो। ये गाने को सुनने के लिए आवाज और धीमी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सुनाई देता है धीमी आवाज में। लेकिन ट्रेन चल रही है और उसके भारी आवाज के वजह से मुझे थोड़ा बढ़ाना ही पड़ रहा है, तो ये लो सुनो। और ये कहकर दूसरा बटन दबा दिया। मेरे नजरें तब भी खिड़की से हटी नहीं। मैं धीरे धीरे सुनने लगा एक रैटल स्नेक का आवाज। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद से हम उस सांप के अंदर ही है जो ये ट्रेन है, लेकिन फिर भी ये कुछ और ही एहसास दिलाती है। यह आवाज सुनते सुनते मैं कब सो गया मुझे खुद याद नहीं, बस एक सपना याद था। मुझे ये याद आ रहा था कि मैं भूल भुलैया में पागलों जैसा दौड़ रहा हूं, किसी से बचने की कोशिश। हर मोड़ घूमो तो देख रहा हूं एक बड़ा सा मकड़ी मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है। मैं जितने बार उससे बचने की कोशिश करूं उतने ही जल्दी वो मेरे पीछे लौट आता है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि अचानक वो दौड़ा कर जैसे ही अपना बड़ा काला सा पैर मेरे कंधे पे रखा, मेरा नींद और मेरा सपना दोनों टूट गया। मैंने देखा फेलुदा मुझे बुला रहे हैं। तोपशे, तोपशे, उठ, हरिद्वार आ चुका है, चल अभी निकलना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म में उतरने के बाद सारे रिक्शा वाले ऐसे दौड़ आएंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद को पहली बार जैसे एक सेलिब्रिटी सा फील आ रहा है। फेलुदा ने मुझको ये बताया कि इन रिक्शा वालों के पास बड़े बड़े किताबें रहते हैं और उसमें हमारे पूर्व पुरुष के नाम लिखे रहते हैं, और साथ ही अगर वो हरिद्वार आए तो उनका खुद के हाथों से लिखे गए उनके नाम हम देख भी सकते हैं। मेरे पिताजी ने कहे कि मेरे दादाजी के दादाजी एक बार साधु संन्यासी बनकर घर से भाग गए थे और हरिद्वार में काफ़ी दिन बिताए थे अकेले, और मुझे ये पता चला कि शायद से उनका नाम इन किताबों में भी रह सकता है, कहीं ना कहीं अगर ढूंढे तो। वन बिहारी बाबू ने हमसे कहा, सुनिए ये सब इन टांगे वाले में चढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ चलिए, मेरा गाड़ी उधर इंतज़ार कर रहा होगा और मेरे पास एक गिना चुना धर्मशाला है, हम उधर ही रह लेते हैं। मैं काफ़ी दिन पहले आया था उधर ही रहने के लिए और बहुत अच्छा भी है। चलिए अभी ज़्यादा देर हम रुकते नहीं हैं, यहाँ पर धर्मशाला जाते हैं, सिर्फ एक ही दिन का तो बात है, उसके बाद कल ही गाड़ी से ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। तीर्थ यात्रा मतलब ही गंगा रहना चाहिए, मेरे हिसाब तो यही बोलता है तुमसे, लेकिन एक बार उसके बाजू में जाकर बैठा रहा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। टांगे से उतरने के बाद जब हम धर्मशाला पहुंचे तो वहां पर मैंने देखा कि अंदर बहुत से छोटे छोटे घर हैं। उसी धर्मशाला के एक कर्मचारी हमारे पास आकर बोले, आपका सामान मैं लेके जाऊंगा साहब, आप अंदर आइए, अंदर आइए। फिर देखा कि बरेली तक जो सन्यासी हमारे साथ थे वो भी उसी धर्मशाला में आकर उतरे। मैंने धीरे से ही फेलुदा को आवाज़ लगा कर बोला, यही वो सन्यासी है फेलुदा, देखो वही ट्रेन में। फेलुदा ने मुझसे कहा, अब इसमें क्या तू संदेह का चीज़ देख रहा है तोपशे, चल ज़्यादा देर बाहर रुका है तेरा दिमाग भी खराब हो रहा है, चल अंदर चल।
धर्मशाला में जब हम सब आराम कर रहे थे तभी देखा कि हम सुबह जल्दी आए थे क्योंकि अब सूरज निकल रहा है। और जैसे ही सूरज निकला धर्मशाला में जैसे हल्ला मच गया। यहाँ पे बंगाली, गुजराती, मराठी, कहाँ पे उर्दू, मालूम नहीं कौन कौन सब मिलकर हल्ला करने लगे, जैसे उनको जल्द अभी के अभी गंगा पहुँचना पड़ेगा। पिताजी ने हमसे पूछा, तुम कहीं निकल रहे हो फेलू? फेलूदा ने जवाब दिया, हाँ वैसा ही सोच रहा हूँ, थोड़ा सा काम भी है। तो सुनो, मैं और वन बिहारी बाबू दोनों जाकर कल के टैक्सी के लिए बुकिंग कर आते हैं, और तुम दोनों तब तक मेरे लिए एक चीज़ लाना पड़ेगा। स्टेशन से जाकर एक एवरीडी टॉर्च के लिए बैटरी लेकर आना। ये तो लखनऊ शहर नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि एक हाथ के बाजू में रहा तो अच्छा ही है। फेलूदा ने कहा, इतने छोटे शहर में टांगा नहीं लेकर चलना ही अकलमंद की बात होगी, हम चलकर ही घूमने चलते हैं। चलते ही चलते मुझे और एक बात पता चला कि हरिद्वार में अभी ठंडी का मौसम चालू है, और इसी ठंडी के बीच में हम चल रहे हैं, उसी लिए पूरा शहर जैसे एक धुएं के अंदर कैद हो चुका है। फेलूदा को ये बात कहते ही फेलूदा ने कहा, जितना तुझे यहाँ धुआं दिख रहा है ये असल में आधे से ज़्यादा तो चूल्हे के धुएं होंगे। सीधे रास्ते चलते हुए एक आदमी से घाट का रास्ता पूछते उसने कहा, यहाँ से आधे मील और चलने पर घाट हमें नज़र आ जाएगा। घाट के थोड़ी देर पहले यानी कि उसके पहुँचने के थोड़े ही रास्ते पहले मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी थी, जैसे बहुत से लोग हल्ला कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि इतने लोग एक साथ नहाने उतरे जिसके वजह से इतना आवाज़ पैदा हो रही है यहाँ, और उसके ऊपर आजू बाजू के रास्ते में सिर्फ भिखारी और फेरी वाले ही नज़र आ रहे हैं। वो सब भी बहुत चिल्ला कर ही बात कर रहे हैं। मैं और फेलूदा भीड़ को ढकेल के घाट के सीढ़ियों की तरफ चलने लगे। ऐसा नज़ारा मैंने मेरे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पानी के अंदर जैसे मेला बसा हुआ है, और वहाँ तरह तरह के लोग नहाने के लिए उतर रहे हैं। घाट के ऊपर एक मंदिर भी है, और वहाँ से पूजा यानी कि आरती का आवाज़ आ रहा है, और इतने भीड़ के आसपास गाय, बैल, कुत्ते ये सब भी आए। फेलूदा ने मुझसे कहा, अगर हमारे महाभारत या फिर रामायण के युग को वापस महसूस करना है तो मेरे बाजू में इधर बैठ जा, और कुछ देर के अंदर ही तुझे ये सब महसूस होने लगेगा। लखनऊ से यहाँ तक का सफ़र में जो बदलाव मुझे नज़र आ रहे हैं उसे तो मैं पूरे अंगूठी के रहस्य को भूल ही चुका था। हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े थे, और मैं वहाँ आराम से पूरे नज़रिए को एक नए रूप में देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद से अभी यहाँ से राम उतर कर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही था। मैं खड़ा था, और बाजू में फेलूदा सिगरेट जलाने के लिए पॉकेट से माचिस निकाली। मैं खड़ा था कि अचानक से मेरे चेहरे पे एक झलक दिखी। मैं यहाँ वहाँ देखा कि ये रोशनी आई किधर से, लेकिन मुझे एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि फेलूदा के उसी माचिस के डब्बे के अंदर कुछ तो चमक उठा। मैं दौड़कर उनके पास जाके पूछा, फेलूदा तुम्हारे डब्बे में क्या है वो? फेलूदा ने कहा, क्या नहीं, मैं वहाँ खड़ा था, अचानक से एक रोशनी तुम्हारे इस डब्बे से निकल कर आई, क्या है वो? रोशनी मेरे डब्बे से निकल कर आई? तुमसे तू कुछ गलत देख रहा है, या फिर इसी माचिस में फॉस्फोरस रहता है और फॉस्फोरस चमकता है, तुझे मालूम नहीं? वैसे मुझे ये बात तो मालूम चला था कि मेरे बातों का पूरा अर्थ फेलूदा के पास नहीं था, या फिर बताने के लिए शब्द नहीं थे। मैं फिर भी एक संदेह के आंखों से उनको देखा, और फिर वापस अपने जगह पे जाकर खड़ा हुआ।
दोस्तों, इतने देर तक आप सुन रहे थे नॉस्टैल्जिक स्टोरीज में बादशाही अंगूठी पार्ट 9। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल आपके लिए लाने वाले हैं द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस सीरीज बादशाही अंगूठी पार्ट 10। तो कल ही मालूम चल जाएगा किसके पास अंगूठी है और उसके लिए आपको फेलुदा के पास रहना पड़ेगा। तो इस कहानी को जरूर फॉलोअप कीजिए। अगर पिछला पार्ट आप नहीं सुने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तब तक स्टे ट्यून्ड।